नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और मैं शांति की खोज में हूँ। मैं शांति की खोज में इतना परेशान हूँ कि परेशान होते होते मैं बाथरूम पहुँच गया। सोचा मुझे वही शांति मिल जाएगी, लेकिन शांति तो मुझे जैसे धोखा ही दे बैठी थी, वो मुझे छोड़ गई थी। मैं मजाक कर रहा था दोस्तों, शांति आज भी वही है, बस मुझे मिल नहीं रही। आज भी वो मेरे करीब है, उसे ढूंढने के लिए मैं हर कदर भटक रहा हूँ। मेरा कीमती समय मैं सही जगह बैठकर बिता रहा हूँ। मेरे फ़ोन के नोटिफिकेशंस को, फेसबुक की स्टोरीज़ को और इंस्टाग्राम के पोस्ट को उतनी ही शिद्दत से देख रहा हूँ, सही जगह पर, सही समय पर और सही राह से। हाँ जी, आपने सही सुना, सही जगह पर। ज़िंदगी कुछ ऐसी थी, ये नोटिफिकेशंस ने इतना परेशान कर दिया था कि पूरे सर की एनर्जी तो उबल चुकी थी, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब मुझे शांति की सख्त 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 ज़रूरत है, और इसीलिए अब मैं देखने वाला हूँ कि मेरा शांति का समय कौन कौन लेकर जा रहा है, कौन कौन है वो सौतन जो शांति का जीना हराम कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये सौतन और कोई नहीं, मैं इसको कहता हूँ हर्डल ऑफ सोशल मीडिया। जी हाँ, आपने सही सुना, हर्डल ऑफ सोशल मीडिया। अभी हर्डल ऑफ सोशल मीडिया क्या है? आप सीधी सी बात सोचिए, आप किसी चीज़ को करने जाते हो बट वो हो नहीं पाती है सही तरीके से, क्योंकि आपको एक छोटा सा मैसेज या छोटा सा एक कोई नोटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट कर जाता है, और ये डिस्ट्रैक्शन की लेवल इतनी बढ़ती है कि वो एक हर्डल बन के तुम्हारे काम पूरे ही नहीं कर पाता। अभी इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस शांति को फिर से कैसा हासिल किया जाए, जो शांति मुझे छोड़कर चली गई थी। देखो, मैंने शुरुआत एकदम आसानी से की, मैंने शुरुआत की थी एनालिसिस से। एनालिसिस में मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले समझा कि पूरे दिन में मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ। मैं कितने समय पढ़ रहा हूँ, मैं कितने टाइम इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ, मैं कितने टाइम फेसबुक को दे रहा हूँ, कितने टाइम उन वीडियोज़ के समंदर में खो चुका हूँ। जी हाँ, आपने सही समझा, इस चीज़ को मैंने कहा एनालिसिस। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने समझी कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ या कंटेंट कंज्यूमर हूँ, मैं कंटेंट को बना रहा हूँ या कंटेंट को कंज्यूम कर रहा हूँ। क्योंकि कंटेंट क्रिएटर जो होता है उसकी तो दुकान है ना, वो दुकान पर तो जाके बेचे गए। सीधी सी बात है, आज किसी की दुकान है और वो माल बेचता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा दुकान पर खड़ा रहेगा, उसमें उतना फ़ायदा है। बट कंटेंट कंज्यूमर के हिसाब से सोचिए, आप एक कंज्यूमर हो, आप सामान खरीदने जाओगे, आप आपकी जरूरत पूरी कर दोगे ना, या पूरा समय वही बिता दोगे? तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है दो चीज़ों के तरफ से। सबसे पहले आप कितना समय बिता रहे हो, हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन योर सोशल मीडिया, ऑन योर डे टू डे एक्टिविटीज़ और इम्पॉर्टेंट टास्क। और दूसरी चीज़ तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम कॉन्टेंट क्रिएटर हो या कॉन्टेंट कंज्यूमर हो। एग्जैक्टली, ये था स्टेप वन, इसको मैं कहता हूँ एनालिसिस, दैट इज ANALYSIS, एनालिसिस। दिमाग में रखना पहली स्टेप एनालिसिस। अभी दूसरी स्टेप की तरफ मैं बढ़ता हूँ। दूसरी स्टेप में तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें यही सोचना है कि तुम अब एक दिन बिना फोन के या बिना सोशल मीडिया के कैसे रहोगे। आज तुम्हें सब सौतनों को घर से बाहर निकाल देना है ताकि शांति घर में आ जाए। मैंने भी वही किया, मैंने सब सोशल मीडिया ऐप सिर्फ एक दिन के लिए डिलीट कर दिए। सिर्फ एक दिन की बात है दोस्तों, एक दिन के लिए कोशिश करिएगा कि आप एक दिन के लिए वो सोशल मीडिया ऐप्स आपके फोन से हटा दें, और फिर उस दिन में मैक्सिमम प्रोडक्टिव रहना है। मार्क माय वर्ड्स, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव रहना है, ये दिमाग में बात रखना। यू हैव टू बी 100% प्रोडक्टिव इन दैट पर्टिकुलर सेम डे। आपके पास सोशल मीडिया ऐप्स भी नहीं है और आपके पास 100% प्रोडक्टिविटी मेंटेन करना है। अभी मैं बिना फोन के रहा और एक दिन मैंने मेरी मैक्सिमम चीजें यूटिलाइज करी, और फिर तीसरी स्टेप के तरफ मैं बढ़ा, दैट इज एनालिसिस टू। मार्क माय वर्ड्स, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, एनालिसिस टू। इस एनालिसिस टू में फिर से मैंने दो चीजों को समझा। पहली चीज ये, विच इंपॉर्टेंट टास्क डिड आई मिस, कौन सी जरूरत वाली चीजें मैं बिना फोन के छोड़ दिया या बिना फोन के जरूरत वाली चीजें नहीं कर पाया, वो थी मेरी पहली कैटेगरी। और दूसरी कैटेगरी ये थी कि कौन सी चीजें जो बिना सोशल मीडिया के मैं एक्स्ट्रा कर पाया या एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी मैंने मेरे डे टू डे एक्टिविटीज में ऐड करी। ये दो चीजों का मैंने एनालिसिस किया, ये था मेरा एनालिसिस टू। अब मेरे पास मेरा प्लान रेडी हो गया, और चौथी चीज जो मुझे करनी थी वो था इम्प्लीमेंटेशन, पर उसके पहले मुझे बनाना था मेरा प्लान। मेरा प्लान किस चीज़ का, मुझे ये समझना था कि मुझे अब से किन किन चीज़ों को समझना है, और मेरे हिसाब से मुझे उसको समझना पड़ेगा। आज मैं तुम्हें बोलूँ कि फ़ोन बंद करना, यूज़ करना बंद कर दो, तो होने वाला है? नहीं होने वाला।
हर एक की अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, हर एक का अपना अपना अलग अलग बिहेवियर होता है। मैंने शुरुआत की थी नोटिफिकेशन ऑफ करने से, ढंग से सुनना, मैंने शुरुआत की थी नोटिफिकेशन ऑफ करने से। मैंने मेरे फोन के अननेसेसरी नोटिफिकेशन, मुझे व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन अननेसेसरी लगते थे, मुझे इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन अननेसेसरी लगते थे, मैंने जाके सिर्फ ऑफ कर दिए। दूसरी चीज मैंने ये की, मैंने एक्सक्लूसिव टाइम जोन दिया मेरे फोन को कि मुझे कौन से टाइम में कौन सा चीज यूज करना है या कौन से टाइम में मुझे कौन सी चीज को, जैसे उठने के बाद, सुबह सुबह उठने के बाद मुझे सोशल मीडिया एक घंटे तक टच ही नहीं करना है, या फिर मुझे सिर्फ रात में खाना खाने के बाद आधा घंटा ही मुझे सोशल मीडिया यूज करना है, वो भी मैं कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ तो आई हैव टू पुट द कॉन्टेंट। ये चीज मैंने दिमाग में डाली। आप भी समझ लेना कि आपको आपका प्लान आपके हिसाब से क्रिएट करना है। तीसरी बहुत बेहतरीन चीज मैंने यूज करी और वो था ग्रे स्केल। मैंने मेरे फोन का जो कलर स्क्रीन था उसको मैंने ग्रे में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरा फोन मुझे बहुत लेस अट्रैक्टिव लगने लगा, मुझे उन चीज़ों का इंपॉर्टेंस समझने ही नहीं लगा। तो मैंने क्या किया, मेरे फोन का सेटिंग्स में जाके ग्रे स्केल ऑन कर दिया। आपके फोन में भी कहीं ना कहीं होगा, आप चेक करना। और चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी क्वेश्चनिंग माइंड। मैं हर सेकंड, हर मिनट जब भी फोन उठाता था, मैंने मेरे ब्रेन को ट्रेन कर दिया और मेरा ब्रेन मुझे अपने आप से सवाल करता है, तुझे सही में फोन की अभी सख्त जरूरत है क्या? और मैं फोन छोड़ने लग गया। धीरे धीरे मेरी चीजें, आदतें छूटने लग गई। जब जब भी मैं फोन उठाता था मेरे फोन में क्वेश्चन आता था, तुझे फोन की जरूरत है क्या? एक टाइम तो ऐसा आया मैंने फोन उठा के पढ़ते पढ़ते फेंक दिया। तुम ऐसा मत करना। और इसी के साथ आपको आपका प्री प्लान समझ जाएगा, एंड वंस यू आर रेडी विद योर प्लान, आपको बस इन्हीं चीज को रिपीट करना है, आपको इंप्लीमेंट करना है। एंड गेस व्हाट, मैंने 3 मंथ्स तक इस चीज को कंटिन्यू किया और मेरी प्रोग्रेस होने लगी। आई स्टार्टेड स्केचिंग एवरी डे। मेरा जो फोन का एक्स्ट्रा टाइम था वो मैंने स्केचिंग में डालना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था मेरा एक्स्ट्रा टाइम कहां जा रहा है। मैंने उसको हटा दिया, मैंने उसको स्केचिंग में लगाया, मैंने उसको मेरे सीए फाइनल की पढ़ाई में लगाया। मेरे पहले वीडियोस में मैंने जो ट्रिक्स बताई उसी के बेसिस पे आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स बेटर नाउ। और तुम्हें पता है 1 महीने बाद क्या हुआ? 1 महीने बाद मैं रोज सुबह एक ब्यूटीफुल सनराइज देखने लग चुका था, एक मेडिटेशन प्रैक्टिस चालू हो चुकी थी, मेरे ब्रेन का एफिशिएंसी बढ़ चुका था, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी थी, और अल्टीमेटली आई कुड सी द रिजल्ट। आई कुड सी अ ब्यूटीफुल स्केच कमिंग अप, आई कुड सी मी गेटिंग क्लियर्ड वन ग्रुप ऑफ सीए फाइनल, आई कुड सी माई सेल्फ एट अ बेटर पोजिशन। क्योंकि क्या है, ये तुम्हारा ब्रेन है, ये बहुत लिमिटेड कैपेसिटी वाला है। हर चीज को जरूरत देने की क्या है, इंपॉर्टेंस देने का हर चीज को जरूरत ही नहीं है। इतने से लिमिटेड ब्रेन में आप हर चीज डालने जाओगे तो नहीं होने वाला। आप सुबह उठने के बाद फोन की बैटरी चार्ज करते हो, 100% पर रखते हो, डेढ़ में तो 0% होने वाली है ना। सिमिलरली इवन योर ब्रेन इज गेटिंग चार्ज 100% इन द मॉर्निंग। और आपको सही में रिक्वायरमेंट है क्या कि इन चीजों में आपका ब्रेन का एफिशियंसी इन्वेस्ट करना है, एक्चुअली वेस्ट करना है? आप सोचिए वेयर यू हैव टू गो, हाउ यू हैव टू गो, एंड दिस हर्डल ऑफ सोशल मीडिया विल बी ओवरकम very soon, very shortly.